नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर देर रात दिल्ली से आगरा जा रही सवारियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक 7 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 6 लोगों को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया। देखिए 14 मरीज रात को 3:05 पे कल आए थे, सुबह आए थे, और जिसमें से 6 मरीजों को जो गंभीर हालत में थे उनको रेफर कर दिया गया, 4 मरीजों को एडमिट कर लिया गया और 4 मरीज तुरंत ही उनकी उपचार करके उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। एक मरीज जो है 7 साल की बच्ची थी, वो खानता डॉटर ऑफ सलीम थी, उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों की माने तो बस दिल्ली से आगरा जा रही थी, तभी महामाया फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर पलट गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।